सावन में याद रखें ये पांच बातें। महादेव के सभी भक्तों को हर हर महादेव। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि सावन का महीना देवों के देव महादेव को अत्यंत प्रिय होता है, और सबसे बड़ी बात, इस साल ये पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू हो रहा है और 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। इसमें सबसे खास बात यह है कि सावन मास इस बार 2 माह का होगा। इस पूरे महीने में शिव भक्त शिव की भक्ति में लीन रहेंगे। इस दौरान भक्तगण भगवान शिव का जलाभिषेक दूधाभिषेक करके उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और भोलेनाथ से अनेकों वर प्राप्त करते हैं। दोस्तों, वैसे तो भोलेनाथ को जैसे भी याद करें वो हमारी सुनते हैं और खुश रहते हैं, बस सच्चे मन से याद करें। लेकिन सावन माह में शिव की पूजा के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। कहा जाता है कि इन नियमों का पालन करने से ही शिव भक्ति का पूरा फल मिलता है, इसलिए ये जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं इन 5 नियमों के बारे में। नंबर 1, शिव पुराण के अनुसार सावन में सात्विक भोजन ही करना चाहिए। भूलकर भी मांस शराब का सेवन न करें। ऐसा करने से भगवान शिव की पूजा का फल नहीं मिलता है। श्रावण माह के दौरान लहसुन और प्याज खाना भी वर्जित माना जाता है। साथ ही बैंगन का भी सेवन करने से बचें, क्योंकि सावन में इसका सेवन अशुभ माना जाता है। नंबर 2, कहा जाता है कि सावन के महीने में व्रत रखने वाले लोगों को बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर सोना चाहिए। इसके अलावा दिन में सोने से भी बचना चाहिए। व्रत रखने वाले लोग केवल एक समय ही सोएं और बाकी समय शिव भक्ति में व्यतीत करें। नंबर 3, माना जाता है कि सावन के महीने में शरीर पर तेल न लगाएं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। हालांकि इस माह में तेल का दान करना शुभ माना जाता है। नंबर 4, सावन में दूध का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पूरे माह तक शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है। वहीं इस दौरान कांसे के बर्तन में भोजन न करें। नंबर 5, अगर आप भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो सावन माह के दौरान किसी भी व्यक्ति का अनादर न करें। साथ ही किसी को अपशब्द भी न कहें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा का पूर्ण फल तभी मिलता है जब व्यक्ति अपने विचारों में सकारात्मकता रखता हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये बातें आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और महादेव के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।